सकती हूँ, इसमें तो हमारी आवाज है, पर कैसे? हमें यकीन है कि ये शेखर की कोई नई चाल है। पहले वो तुम्हें धमकाता था और अब हमें धमका रहा है। स्नेहा, अब क्या करेंगे? अब हम नहीं, तुम क्या करोगी अर्पिता भाभी? मैं बताऊं? तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें करने को कहूं। स्नेहा, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि हम तुम्हारी मदद करने गए थे वहां पर। तुम हमारे साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकते। तुम तो जानती हो ना कि ये बच्चा तुम्हारा है, हमारा नहीं। पर ये बात तो मैं जानती और कोई नहीं। और अगर मैं ना कह दूं तो तुम पे कौन विश्वास करेगा? और वैसे प्रेग्नेंट मैं नहीं हूं, प्रेग्नेंट तो तुम हो। मतलब तुमने जो कुछ भी हमसे कहा था वो झूठ था? झूठ? 100% झूठ था भाभी। और इस झूठ में मेरा साथ शेखर ने भी दिया है। ध्रुव जी तुम्हारी इन घटिया बातों पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये तस्वीरें, शेखर से कही हुई आपकी बातें, मेरे पास काफी सबूत हैं ये साबित करने के लिए कि आपका और शेखर का नाजायज रिश्ता है। आप बताइए, इस नाजायज रिश्ते को ध्रुव भाई एक्सेप्ट करेंगे? ये परिवार एक्सेप्ट करेगा? सोचिए, अगर ये फोटोग्राफ्स मैं निहारिका को दिखा दूं तो, अंकल को दिखा दूं तो, खैर जाने दो। अगर ये पिक्चर्स मैं प्रेस में दे दूं, वाह क्या हेडलाइंस होंगी। रायजादा खानदान की बहू का नाजायज रिश्ता, नाजायज बच्चा, हंगामा हो जाएगा भाभी, हंगामा। तुम क्या चाहती हो हमसे? तुम जो कहोगे हम करने के लिए तैयार है। मेरी प्यारी भाभी, एक छोटी सी बात, आप ध्रुव भैया को ये कभी नहीं बताएंगी कि आपकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो आपका है, बल्कि आप ध्रुव भैया को ये बताएंगी कि बच्चा उनका नहीं है।